रौले अच घूमे बलिए हर चौक हथियार बंद चलिए लैट मित्रां दे देख के पता चल रहा है हम कहाँ है। हम अपनी सोसाइटी में नहीं है, हम आ गए इस बारिश में मौसी के घर। और आज मौसी को सरप्राइज देने आए हैं, इतनी देर से निकले हुए थे, हम अभी पहुंचे हैं। जाम इतना लग रहा है, ट्रैफिक इतना था। चलो बारिश का हाल दिखाऊं कैसा है। देखो इतनी बारिश होने लग रही है, यहाँ भी पानी वहाँ भी, हर जगह पानी पानी, इतनी तेज बारिश हो रही है। गेट खुला पड़ा है। मौसी, यहाँ मौसी को नहीं पता कि हाँ हम अंदर घुस गए। और मौसी ने जब हमें देखा ना, मौसी एकदम देख के शॉक हो गई, क्योंकि हमने सरप्राइज दिया था, हमने एक बार बताया भी नहीं था कि हाँ हम आ रहे हैं या नहीं। तो मौसी एकदम देख के हमें शॉक हो गई, क्योंकि शालू आई हुई थी। ओए चल खड़ा हो, देखो देख रहा हूँ। हाँ बैठ जाओ एक बार, देख यू अभी ना आई। मौसी जय कर दे, तो मौसी पे आ जा साइकिल चल रही है उतर की, आ जाओ। हाँ अभी स्टैंड ना आए बेटा, लोग मैं फोन लेने की ताक में हूँ। हाँ चाय बनाओ, तेज पत्ती कर लिए। चलो भाई चाय भी आगे मारे। मैं इतना बड़ा नाश्ता कर लूं, कपड़े वपड़े खा खू गए, कपड़े चाय पी लो, है ना। हमारा दूसरी चाय का नंबर आ गया। अब हमारे चाय के साथ समोसे और ब्रेड पकोड़े। मम्मी मैं समोसा ले लूँगी, चलो तू ब्रेड पकोड़ा ले लियो बहन। विवेक कपड़ों की डिमांड कर रहा है। हाँ। है और बता तेरी डिमांड पूरी कितनी हुई है शालू। हुई क्या ना, अरे सुपारी सूट मांगा मगर इतने दे देंगे 200 वाले कपड़ा मारा सिलाई तेरी ठीक है। ए? तो सिलाई तेरी ना, जब तो देखो सो गया, दिखाइए उसकी पलटी करियो, सो गया दोबारा, सो गया। दे देंगे तेरे एक दर्जन सुपारी सूट पक्के, ठीक है तू सिलाई के पैसे जोड़। मौसी का बर्थडे गिफ्ट। हाँ बर्थडे गिफ्ट। अच्छा किसकी तरफ से? विवेक की तरफ से। विवेक की तरफ से बर्थडे गिफ्ट। जिन लोगों की डिमांड थी ना कि मैंने सिर्फ मम्मी के सूट्स दिखाए हैं और मौसी वाले सूट्स नहीं दिखाए, तो आज उन्हें ये वाले सूट्स भी दिखा देती हूँ कि ये कौन से सूट्स हैं। सारे सूट जो मौसी के सूट्स थे ना, वो सारे ओपन करके दिखाते थे वो सूट्स का कलेक्शन कैसा है, जिसके आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि वो वाले सूट्स भी दिखाना वो कैसे हैं। तो भाई ये कितने सूट्स हैं वो दिखा देते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ से नौ सूट है ये वाले सारे सूट्स भी दिखा देते हूँ। वैसे मौसी के लिए 12 से 13 सूट थे, लेकिन अभी जो बचे हुए ना वो वाले सारे सूट्स मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि ये कौन से सूट और कैसे सूट्स हैं। कुछ जो सूट थे वो मौसी ने किसी को दे दिए मतलब, तो बाकी जो सूट्स बचे हुए ना वो दिखा देती हूँ। जो इससे पहले वाले सूट थे ना, मतलब दो तीन जो सूट थे वो मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाए थे। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से सूट हैं। तो मैं जितने मैंने वो वाले ओपन करके दिखाए थे, इतने तो ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सब कुछ सेट करने में, तो ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये वाला ऐसा सूट है, जो मम्मी का ग्रे वाला सूट था ना, ये सेम वैसा ही है। मम्मी का ग्रे कलर था और ये वाला है पिंक कलर, तो इसको कर देते हैं साइड। उसके बाद आता है ये एक और ग्रीन कलर,
उसका भी मैं दिखा देती हूँ कैसा है, बहुत जल्दी जल्दी सारे सूट्स दिखा दूंगी मैं आज। ये भी ये वाला ग्रीन कलर है और इसकी बॉटम भी प्लेन है, दुपट्टा भी ऐसा है। और इसको मैं पास से दिखा देती हूँ कैसा है। ये उसके ऊपर सेल्फ प्रिंट है और थ्रेड वर्क है। और जो इसका दुपट्टा है, दुपट्टा पैक है फिलहाल, ये वाला इसका दुपट्टा है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका भी। तो इसको भी करते हैं साइड। अब इसके बाद बहुत ही अच्छा कलर आएगा भाई, जो सबको देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये है नेक्स्ट ब्लैक प्लेन बॉटम। ये है ब्लैक प्रिंटेड और ब्राउन, नहीं ब्राउन नहीं, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। ये है दुपट्टा और ये है इसका टॉप। इसे मैं ओपन कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो ओपन करने के बाद भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। तो ये एक सूट मैंने आपको ओपन करके भी दिखा दिया। अब इसके बाद आता है ये, इसे हम जयपुरी बोल सकते हैं। और इसका ना अभी मैंने ये वाला मौसी का सूट देखा और मैंने मौसी को बोला भी है कि मौसी आप इसे ना स्टिच करवा लो, बहुत प्यारा सूट लग रहा है ये वाला भी। ये देखो येलो ग्रीन रेड मरून सारे कलर्स हैं भाई इसके अंदर, कभी भी पहनो। और ये ग्रीन कलर का इसका बॉटम है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। और मैंने बोल भी दिया है मौसी को जल्दी से इसको स्टिच करवा लो और बहुत अच्छा लगेगा ये पहनने के बाद। तो इसको भी कर देते हैं साइड। और ये वाला है गाइस इसका दुपट्टा, ये वाला पर्सनली मेरे को ऐसे दुपट्टे ना बहुत पसंद है। इसके बाद जो मम्मी का सूट था ना, वही सेम बाटिक वाले, तो ये वाले हैं वो वाले सूट। बस मैंने बताया था ना कुछ सूट सेम है। तो ये वाला देखो, ये वाला है इसका कलर, ब्लू के ऊपर ये वाला प्रिंट है और ये वाला है इसका बॉटम। तो इसको रख देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये वाला मैंने आपको ना पूरा पहले ही ओपन करके दिखाया हुआ है। ये वाला ये भी मैंने अच्छे से दिखाया था। तो इसमें कलर है ये वाला, और जिसने वो लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा ना, वो उसे देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। और सेम ये वाला जो है ना, इसी का दूसरा कलर है एक ये वाला ब्लू कलर, और इसका सेम प्लेन बॉटम है और ये इसका टॉप है और प्लेन बॉटम है। इसके बाद जो सूट सबको पसंद आया था मम्मी वाला, वो है दूसरा कलर इसका। इसे मैं ना चाहते हुए भी खोल दूंगी। तो चलो दिखाते हैं अब आपको ये वाला खोल के, क्योंकि मेरे को ना वो वाला मम्मी का सूट भी सीरियसली बहुत अच्छा लगा था। ये देखो अच्छा लग रहा है ना सूट। और इसे कर देते हैं क्लोज। और ये वाला है इसका दुपट्टा, रेड कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है वाला भी। तो भाई ये थे सारे सूट्स मौसी के। और ये वाला कलेक्शन आपको कैसा लगा तो ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी तो मैंने आज इसलिए दिखा भी दिया। क्योंकि मैं मौसी के घर आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको दिखा देती हूँ कि कौन से सूट्स हैं। तो ये वाले सूट आई होप आपको पसंद आए होंगे। और कैसा लगा कलेक्शन तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय मौसी, बाय, हम भी जा रहे हैं। बाय रुद्र, चलो हम कुछ लाए थे, है चाबी तो। चलो भाई चल आ जा बेटा, चले ये सो के बुढ़ गए, चलो आंसू आ रहे इसके। आऊंगे मामा का आए थे, वो बुआ थे मामा के गई थी, है ना बेटा। और देख चालू देख, छोड़ दे बेटा छोड़ दे। तेरा साथ है इतना प्यारा। बाय बिट्टू, देख चालू कितना खुश है। ए फोन का तो सू है, तू देखती हो नहीं। हाँ बेटा चल बाय कर दे, तेरी मम्मी गई। गई मम्मी, वो आ गई मम्मी, आ गई मम्मी, आ गई। चलो चल बाय कर, बाय बाय, के तो मिलेंगे पछो मोची। बाय 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 बाय। देखो एक और मिलेगी मोसी, पंचर हो रहे हैं, आराम से ले जाइयो।
और यहाँ से हमें लेना था थोड़ा सा सामान, तो सामान लेने हम जा ही रहे थे कि एकदम से लाइट चली गई। फिर हम शॉप के अंदर गए, फिर हमें जो सामान लेना था फटाफट लेके हम आ गए, क्योंकि भाई हमारी बुआ जी आने वाली थी और थोड़ी देर बाद फिर हमारी बुआ जी आ भी गई थी, तो चलो आज आप भी मिल लेना हमारी बुआ जी से। तो और यहाँ तो पहले मेरे को याद ही नहीं रहा कि हाँ चलो मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ, फिर जब मेरे को राखी बांधते टाइम जब व्लॉग स्टार्ट करना याद आया तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, और उस टाइम भी मैं बोलना ही भूल गई, मैंने बस ऐसे ही राखी बांधते बांधते स्टार्ट कर लिया। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी मैं, तो अभी मैं मिलवा देती हूँ। ये वाली है मेरी बड़े वाली बुआ जी, किरण बुआ जी, तो आज इनसे भी मिल लो। तो भाई ये मेरी सबसे बड़े वाली बुआ जी है, मेरी दो बुआ जी हैं, एक ये वाली हैं और एक और दूसरे वाली बुआ जी हैं, तो उनसे भी मैं आपको बहुत जल्द मिलवाऊंगी। तो सबसे पहले बारी थी मम्मी की राखी बांधने की, तो सबसे पहले बुआ जी ने मम्मी को राखी बांधी थी और मिठाई वगैरह खिलाई थी, और मिठाई के साथ साथ हमारा होता है कि कुछ ना कुछ कपड़ा भी देते हैं, तो ये था कपड़ा और साथ में मिठाई भी खिलाई थी। तो भाई बुआ जी बहुत अच्छी बर्फी लेके आई थी, बहुत टेस्टी बर्फी थी बुआ जी, बहुत टेस्टी बर्फी थी आपकी। तो उसके बाद फिर बचपन से क्या होता है, बचपन से ना बुआ जी मेरे को भी तिलक करते, तो अब आ गई थी मेरी बारी। तो एकदम से जब रैंडम बुआ जी आई ना, तो मुझे पता नहीं था, तो भाई मैं तो जो मैंने पहन रखे थे कपड़े वगैरह वही पहने हुए थे, तो मतलब ऐसा कुछ फेस्टिवल वाले कपड़े नहीं थे। तो भाई ये थे अब मेरी राखी, तो इसके बाद बंधी थी मेरी राखी। तो मेरी राखी बांधने के बाद भी तो हो गया था अब मेरा भी राखी सेलिब्रेशन, क्योंकि बचपन से हमारा ऐसा है कि बुआ जी मेरे को भी राखी बांधती है, मम्मी को भी, तो ऐसे हमारा होता ही है, यही राखी सेलिब्रेशन होता है कि भाइयों की भी बांधी जाती है, भतीजे की भी, भाभी की भी, और भाई भतीजी भाभी वगैरह मतलब सबको राखी बांधते हैं। तो यहाँ मेरी भी राखी बंध गई थी, और इस बार बुआ जी ने एक चीज़ और बताई कि हाँ भाई राखी में ना 3 नॉट लगाते हैं। तो फिर अब मेरी राखी बांधने के बाद फिर अभी बुआ जी ने बांधी थी पापा को राखी, तो भाई इसमें ये वाले मेरे पापा जी हैं, तो इसमें क्या होता है मतलब मेरी बुआ जी ने ऐसे ही तिलक करके फिर पापा के नाम की राखी ऐसे करती है। तो पहले पापा जी को भी तिलक किया, उसके बाद राखी वगैरह उनकी की थी। तो अब ये हो गया था हमारा आज का राखी सेलिब्रेशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये है हमारा प्री राखी सेलिब्रेशन। तो ये देखो भाई इतने सारे बर्तन साफ किए मैंने। तो आज के ब्लॉग में आपने बहुत कुछ देखा, हम मौसी के घर भी गए थे, शालू भी आई हुई थी, और साथ साथ आज आई थी हमारी बुआ जी भी, क्योंकि आज मतलब राखी वैसे परसों है, तो लेकिन आज बुआ जी आज ही आई थी क्योंकि परसों वो थोड़ा सा बिजी रहेंगी, दीदी भी आती है, बाकी भाभी वगैरह भी अपने घर जाती हैं, तो वो पहले ही आ गई थी आज यहाँ। और एक सेकंड दिखाती हूँ, और भाई मेरी राखी तो मेरी बन गई ठीक है। तो हमारा तो हो गया आज प्री राखी सेलिब्रेशन। आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, एक ही ब्लॉग में बहुत कुछ देख लिया आज आपने। तो चलो भाई करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड, क्योंकि मेरे को भी सोना है, गुड नाइट। सोने से पहले मेरे को ये सारे जितने भी बर्तन है ना सारे साफ कर करके उनकी जगह पर लगाने हैं, क्योंकि सारे बर्तन वगैरह साफ करके फिर उनकी जगह पर लगा के फिर तभी सोऊंगी मैं। सो बाय।